Hello, good morning. Today I have brought for you volume 2 of P block elements. First volume having of class 12th having group 16 is already in the air. So let us start. One topic was left of group 16, that was sulfuric acid and oxo acids. So let us start with sulfuric acid. Sulfuric acid is also known as oil of vitriol or king of chemicals. Right? How it is prepared? It is prepared by contact process. It is prepared by contact process. कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या करते हैं? सबसे पहले सल्फर को एयर में बर्न कर दो, आपको मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड. एट आई हैव रिटन टू बैलेंस इट, एट एसओ टू. राइट? एंड द सेकेंड स्टेप इज एसओ टू इज ट्रीटेड विद ऑक्सीजन. यू नो दिस रिएक्शन इज नॉट सो फास्ट, इट्स वेरी टिपिकल, इट रिक्वायर्स सम ड्रास्टिक कंडीशन. सी वॉट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड? दिस इज वेरी स्लो रिएक्शन, वी रिक्वायर वी टू ओ फाइव. वेनेडियम पेंटोक्साइड इज यूज एज कैटलिस्ट. 770 केल्विन टेम्परेचर एंड 2 bar प्रेशर, ओनली देन यू विल गेट एसओ थ्री. एंड मोर ओवर दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक इन रिएक्शन. -196 किलो जूल पर मोल. राइट? दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर दिस स्टेप, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन? सी कंसंट्रेशन ऑफ एसओ टू एंड ओ टू शुड बी हाई, प्रेशर शुड बी हाई, हाउ मच? 2 bar. टेम्परेचर शुड बी लो. Why it should be low? Because the reaction is exothermic, but not too low कि reaction होए ही ना. तो कितने पे setting हो गई? 770 Kelvin पर हमारी ये setting हो जाती है. और अगर हम इन conditions का ध्यान रखेंगे तो हमें maximum yield मिलेगा SO3. और अगर हमें maximum yield SO3 का मिलेगा तो of course sulfuric acid का मिलेगा. तो maximum yield के लिए ये favorable conditions होती हैं. Third step, SO3 में H2SO4 डाल दो. What? हम तो सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं, फिर ये डाला क्यों इसमें? आई टेल यू. H2S2O7. SO3 में जब हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो हमें ओलियम मिलता है. सी H2S2O7 वी कॉल इट ओलियम. फिर हम क्या करते हैं फोर्थ स्टेप में, इसी ओलियम के ऊपर वाटर को शॉवर कर देते हैं जिससे हमें मिलते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. एक वो जो आपने यूज किया था और एक और बना. नाउ द क्वेश्चन इज स्टिल देयर कि आपने इसी में ही वाटर डाल देते क्या होता? अगर हम SO3 में, ये अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई कांट वी एड डायरेक्टली वाटर टू द SO3. रीजन देखो, अगर हम SO3 में वाटर डाल देंगे, ये वाला इसी स्टेप पे कर लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड तो बनेगा लेकिन वो कोलाइडल फॉर्म में होगा. अब ये अगर कोलाइडल फॉर्म में होगा तो इसमें से वाटर को सेपरेट करना बहुत मुश्किल है. सो दैट्स व्हाई डायरेक्टली वी कांट ऐड वाटर टू SO3. ओके, सल्फ्यूरिक एसिड की और क्या क्या खास बात है? ये हाईली विस्कस होता है. विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा. ये काफी गाढ़ा ऑयल की तरह होता है. क्यों? बिकॉज ये, सी केयरफुली व्हाट आई एम डूइंग, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है. हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एक सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल जो है, ये देखो, इस सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल ने चार तरीके से, चारों तरफ से एच बॉन्ड बना रखा है. यानी कि मॉलिक्यूल तो टाइटली पैक हो गए हैं. जब मॉलिक्यूल टाइटली पैक हो जाते हैं तो वो गाढ़ा हो जाएगा, विस्कस हो जाएगा. सो व्हाट इज द आंसर? एक्सटेंसिव एच बॉन्डिंग इज देयर. व्हाई इट इज हाईली विस्कस? बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव एच बॉन्डिंग. देखो, सल्फ्यूरिक एसिड ने कैसे चार एच बॉन्ड बना रखे हैं दो नेबर के साथ, तो कितना टाइटली हेल्ड होगा ये. वेल, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को स्किन पे डालते हैं तो बर्निंग एक्शन क्यों होता है? यानी कि स्किन बर्न क्यों करती है? सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, इसकी हैबिट है, इसको आप कहीं पर भी डालो वाटर पीता है. जैसे बहुत प्यासा हुई है, H2SO4 बर्न्स स्किन बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स वाटर. राइट? और जब ये वाटर एब्जॉर्ब करता है तो हीट रिलीज होती है. हीट इज रिलीज्ड बिकॉज दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक.
और उस हीट से जो होता है बर्निंग सेंसेशन होती है। तो अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या बोलता है, भैया मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो तुम्हारे हाथ से तुम्हारी स्किन से पानी पिया था, अब फायर लग गई तो मैं क्या करूं। सो इट बर्न्स स्किन बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड हीट इज रिलीज बिकॉज ऑफ दैट हीट द स्किन इज बर्न्ड। ओके, ये प्रूफ भी दे दो कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। वॉट एवर विच एब्जॉर्ब्स वाटर, जो वाटर को एब्जॉर्ब करती है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होती है। लेट अस सी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, आप अपनी लैब में घर से थोड़ी सी चीनी लेके जाना, उसको टेस्ट ट्यूब में डाल देना, शुगर का फॉर्मूला C12H22O11, उसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना, लैब में जाके टेस्ट ट्यूब में चर्र की साउंड आएगी, इसे चेरिंग ऑफ शुगर भी कहते हैं। इसका सारा वाटर एब्जॉर्ब कर जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, ओनली कार्बन, यानी कि ब्लैक ब्लैक कोयला मिलेगा आपको अगर आप शुगर में सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं। इसको चेरिंग ऑफ शुगर भी कहते हैं। तो यू विल गेट कार्बन ओनली बिकॉज वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ब्लैक वी कॉल इट चेरिंग ऑफ शुगर, राइट। ओके, अब सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम वाटर में डिजोल्व करें तो कितने एच प्लस देता है, टू। एवरीबडी नोज इट इज डाई बेसिक इन नेचर। सी H2SO4 को मैंने वाटर में डाल दिया, इसने वाटर को एक एच दे दिया, राइट, और प्लस HSO4 नेगेटिव बन गया। आपने पढ़ा होगा कि ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीटली फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होता, ये रिवर्सिबल होता है। दुनिया में कोई भी रिएक्शन जो रिवर्सिबल होती है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जरूर होता है, तो इसका भी है। इसे हम Ka1 कहते हैं और ये 100 होता है। 100 का मतलब हुआ ग्रेट कि सल्फ्यूरिक एसिड फटाफट एच प्लस दे देता है। ओके, अब हमने इसको बोला, भाई तूने बोला था मैं 2H दूंगा, चल दूसरा भी निकाल। अब हम दूसरा निकालते हैं इससे, HSO4 नेगेटिव प्लस वाटर H3O पॉजिटिव प्लस सल्फेट 2 नेगेटिव। जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड को बोला ना चल एक और एच निकाल, बेचारा रोने ही बैठ गया। कह तो दिया कि मैं 2H दूंगा लेकिन देने का मन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। आप किसी नेगेटिव चार्ज को बोलो जरा पॉजिटिव दियो अपने में से, वो क्यों देगा, वो कहेगा मैं ही ना रख लू। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक आउट अनदर हाइड्रोजन फ्रॉम HSO4 नेगेटिव। सो दैट्स वाई Ka2 इज मच लेस देन Ka1, इसकी वैल्यू है 2/100, यानी कि इससे कितनी कम है ये। सो क्वेश्चन है ये कि वाई Ka2 इज मच लेस देन Ka1 फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका आंसर है भाई, दूसरा जो एच पॉजिटिव आपने निकालना है दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक आउट फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज HSO4 नेगेटिव। सो दैट्स वाई Ka2 इज मच लेस देन Ka1। दिस वॉज ऑल अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। फेवरेबल कंडीशंस वाला क्वेश्चन आए तो आपने ये वाली लाइनें लिखनी है और ये वाला स्टेप लिखना है। SO3 में डायरेक्टली वाटर क्यों नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि वो कोलाइडल सोल बना देता है। डिफिकल्ट टू सेपरेट वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड, हाईली विस्कस, एक्सटेंसिव एज वार्निंग, बर्न्स द स्किन बिकॉज इट टेक्स आउट द वॉटर फ्रॉम स्किन एंड विच इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड बर्न्स द स्किन। व्हाट यू मीन बाय द चेरिंग ऑफ शुगर, शुगर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इट एब्जॉर्ब्स वॉटर एंड सिंपली यू विल लेफ्ट बिहाइंड विथ कार्बन और कोयला। H2SO4 इज डाई बेसिक इन नेचर, वी ऑल नो, बट Ka2 इज मच लेस देन Ka1। वाई, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक आउट सेकेंड वाला एच पॉजिटिव, बिकॉज नाउ इट हैज बिकम माइनस HSO4। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सो, ऑक्सीजन, एसिड का मतलब एच, ऑफ सल्फर, वो कौन से कंपाउंड है जिसमें सल्फर भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, उसी को बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। देखो मैं आपको याद करने का एक तरीका बताती हूँ, आसान सा। सबसे पहले आप H2SO4 लिखिए, सल्फ्यूरिक एसिड बचपन से जानते हैं, बचपन नाइन्थ क्लास होता है वैसे,
सो हमें पहले से पता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है. चलो मैं इसका नेम भी लिख देती हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड, राइट. इसमें से एक ऑक्सीजन आउट कर दो, बाहर निकाल दो, तो आपको मिलेगा H2SO3. इसमें एक ऑक्सीजन और ऐड कर दो, आपको मिलेगा H2SO5. इसका नेम है सल्फ्यूरस एसिड और इसका नेम है पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड. देखो नेम का सिग्निफिकेंस है, पर ऑक्सो मोनो यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर एक और ऑक्सीजन मार दिया. सो इट इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज केरोज एसिड, इसे हम केरोज एसिड भी कहते हैं. ओके अब क्या कीजिए, इसको डबल कर लीजिए. डबल मीन्स H4S2O8. इसमें से एक वाटर निकाल दो तो आपको मिलेगा H2S2O7. इसे हम ओलियम भी कहते हैं और पाइरो सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, पाइरो सल्फ्यूरिक एसिड. वेल आप अब क्या कीजिए, इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए, एक कम कर दीजिए. देखो आपको 6 के 6 याद हो गए. सो एक ऑक्सीजन अगर ऐड करेंगे तो H2S2O8 बनेगा और इसको हम कहते हैं मार्शल्स एसिड. वी कॉल इट मार्शल्स एसिड. एक केरोज एसिड है, एक मार्शल है. याद कैसे रहेगा, मार्शल की स्पेलिंग बड़ी है, ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा है. केरोज का स्पेलिंग छोटी है तो ऑक्सीजन का नंबर भी कम है, याद हो जाएगा. वेल अब इनकी स्ट्रक्चर, पहले हम एक और लिख लें, H2S2O6. इसे हम डाइथायोनिक एसिड कहते हैं, ये इसका कॉमन नेम है. स्ट्रक्चर करने के लिए आप केवल सल्फ्यूरिक एसिड की याद रखो, बाकी सबकी अपने आप हो जाएगी. सी हाउ सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर ये रही, ओनली 2 हाइड्रोजन आर देयर तो 2 OH होएंगे, बाकी के 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे. वेल H2SO5 में अब यहाँ पे और ऑक्सीजन की जगह तो है नहीं, कहाँ रखोगे, ये OH है ना, इसको अलग मतलब दूर कर दो, बीच में ऑक्सीजन डाल दो. सी हाउ ये देखो हमने एक ऑक्सीजन इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया. जब किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं पर ऑक्सो लिंकेज. क्या कहते हैं इसको, पर ऑक्सो लिंकेज कहते हैं. अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, एक ऑक्सीजन उड़ा दो तो आपकी स्ट्रक्चर हो जाएगी ये वाली, राइट. इसकी स्ट्रक्चर देखो, एक ऑड है ऑक्सीजन, उस ऑड ऑक्सीजन को बीच में डालो, बाकी आप सिमेट्री कर सकते हैं. सी ये हो गया H2S2O7 हो गया. अच्छा इसमें आप एक ऑक्सीजन कहां ऐड करेंगे, ऑफ कोर्स यहां पे करेंगे तो S डबल बॉन्ड O, इसमें भी आपको पर ऑक्सो लिंकेज मिलेगा, यहां भी आपको पर ऑक्सो लिंकेज मिलेगा मार्शल एसिड में. ये रहा एक केरोज एसिड में होता है, यहां क्या करना है, इसको यहां से गायब कर दो तो आपको सल्फर सल्फर लिंकेज मिल जाएगा. देखा कितना इजी है ना आपके लिए याद करना. आप सल्फ्यूरिक एसिड को याद करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा. स्ट्रक्चर्स अक्सर एग्जाम में इनमें से कोई एक स्ट्रक्चर तो आ ही जाती है. वेल इनमें से कौन सा ऑक्सो एसिड है सल्फर का जिसमें पर ऑक्सो लिंकेज होता है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो, एक केरोज एसिड में, एक मार्शल एसिड में. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर SS लिंकेज इज प्रेजेंट, दिस H2S2O6 डाइथायोनिक एसिड, राइट. इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से. वेल नेक्स्ट क्वेश्चन इज, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड को कहते हैं. SOCl2 लिविस एसिड का काम भी करता है. इट इज यूज्ड एज लिविस एसिड, ऐसा क्वेश्चन आता है. इट इज ऑल्सो यूज्ड एज लिविस बेस एंड इट इज ऑल्सो यूज एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, राइट. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ एंड व्हाई, यू नो एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज लिविस एसिड विच हैज वन वेकेंट ऑर्बिटल, तो इसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल होता है. वेकेंट ऑर्बिटल से क्या होता है, इट कैन एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनीबॉडी. लिविस बेस कौन होता है, एनीथिंग एनी स्पीशीज विच हैज द वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो बिकॉज ऑफ वन
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लेविस बेस का काम भी करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर एब्जॉर्ब कर जाता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ही लिख लें, FeCl3 6H2O, तो ये इसमें आप SOCl2 डाल दो तो ये क्या करेगा, इसका वाटर एब्जॉर्ब कर जाएगा, SO2 और HCl बन जाएगा और FeCl3 एज सच बाहर वापस आ जाएगा प्लस FeCl3, राइट। तो SOCl2 को थायोनील क्लोराइड भी कहते हैं और ये तीनों क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन है कि सल्फर को, वैसे सल्फर येलो कलर का होता है, सल्फर को जब हम Na2SO3, इसे कहते हैं सोडियम सल्फाइड, में डालते हैं तो कहते हैं सल्फर गायब हो जाता है, यानी कि उसका येलो कलर डिसअपियर हो जाता है। व्हाई? बिकॉज ये इसके साथ रिएक्शन कर लेता है, Na2S2O3 बन जाता है। और कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है इस चैप्टर में से, मतलब ग्रुप 16 में से, सिलीनियम के दो यूजेस बता दो। सिलीनियम के यूजेस क्या हैं? ये जीरोग्राफी में भी यूज होता है, जीरोग्राफी में और फोटो इलेक्ट्रिक सेल में भी यूज होता है, राइट। वेल, और कौन सा क्वेश्चन है? एक और क्वेश्चन आता है कि Fe3+ में, यानी कि फेरिक क्लोराइड में या कोई भी फेरिक सॉल्ट में जब हम सल्फर डाइऑक्साइड डालते हैं तो व्हाट हैपेंस एंड व्हाई? यू नो, सल्फर डाइऑक्साइड इसकी रिडक्शन कर देगा और अपनी ऑक्सीडेशन कर देगा, तो यू विल गेट Fe2+ प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, राइट। सो फेरिक को जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस कर देता है। एनी अदर क्वेश्चन इज लेफ्ट? एक और क्वेश्चन है, CaF2 में H2SO4 डालते हैं तो क्या होगा? मुझे लगता है कोई भी बता देगा, एक्सचेंज ऑफर कर दो, HF कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 प्लस HF आपको मिल जाएगा, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ग्रुप 16 एंड फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, हम ग्रुप 17 स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ग्रुप 17। हम स्टोरी की फॉर्म में नहीं पढ़ रहे कि वो ग्रुप 16 की मैं स्टोरी सुनाती चली जाऊं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं इंपॉर्टेंट, हम क्वेश्चन वाइज इस ग्रुप को करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अगला है ग्रुप 17। ग्रुप 17 को हम हेलोजन्स कहते हैं। हेलोजन्स का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग, सॉल्ट बनाने वाले, NaCl, MgCl2, सॉल्ट्स में नॉर्मली हेलोजन्स ही होते हैं। नेम्स ऑफ द मेंबर्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। एस्टेटाइन इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, वी डोंट स्टडी। दे एग्जिस्ट एज डायटोमिक, यानी कि F2Cl2Br2I2 इन द गैसियस स्टेट। वेल, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, बाकियों का याद करने की कोई जरूरत नहीं है। 8, 18, 18, 32 ऐड करते जाओ, आपको अगले का एटॉमिक नंबर मिलता चला जाएगा। सो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ये सारे के सारे डायटोमिक क्यों है? सी, फ्लोरीन का अगर हम वेलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो 7 होते हैं। अब ये कहता है मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं नोबल गैस जैसा स्टेबल हो जाऊंगा, सो दे आर शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सो दैट्स व्हाई दे मेक डायटोमिक। नाउ F2, आई मीन फ्लोरीन एग्जिस्ट्स एज डायटोमिक, कोई भी सारे हेलोजन्स है डायटोमिक। व्हाई? बिकॉज दे आर शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो स्टेबल करने के लिए दो दो इकट्ठे उड़ जाते हैं। नेक्स्ट थिंग, ये दोनों गैसेस हैं, दिस इज ऑरेंज रेड लिक्विड एंड दिस इज पर्पल सॉलिड। वो कौन सी फैमिली है, वो कौन सा ग्रुप है जिसमें ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर पाई जाती है? ग्रुप 17। आयोडीन आयोडेक्स में भी होता है और आयोडीन आयोडोफॉर्म के रूप में एंटीसेप्टिक का काम करता है। वो कौन सा ग्रुप है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसकी पेन किलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं? ग्रुप 17। हेलोजन कौन है? ग्रुप 17। और सारे के सारे कलर्ड है, ये पेल येलो गैस होती है, राइट, और ये ग्रीन येलो गैस होती है, ये ग्रीनिश येलो गैस होती है, वो पेल येलो होती है। बाय द वे, ये पूरा फैमिली कलर्ड क्यों है? दे आर कलर्ड बिकॉज
दे एब्जॉर्ब अ पोर्शन ऑफ द सनलाइट. इस दुनिया में हर वो चीज कलरफुल नजर आएगी जो विजिबल रेडिएशन का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर जाती है. अगर सारा एब्जॉर्ब कर जाएगी तो ब्लैक नजर आएगी, सारा ट्रांसमिट कर देगी तो व्हाइट नजर आएगा. तो दे एब्जॉर्ब अ पोर्शन ऑफ द विजिबल रेडिएशन फ्रॉम सन और बाकी को ट्रांसमिट कर देते हैं कलर बिकॉज ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट. अगर किसी ने ब्लू कलर एब्जॉर्ब किया है तो वो रेड नजर आएगा, पर्पल खाया है तो येलो नजर आएगा. ट्रांसमिटेड लाइट की वजह से दे आर कलर्ड. व्हाई दे आर कलर्ड? बिकॉज दे एब्जॉर्ब अ पोर्शन ऑफ द विजिबल रेडिएशन फ्रॉम सन एंड रिमेनिंग दे ट्रांसमिट एंड बिकॉज ऑफ दैट ट्रांसमिटेड लाइट दे आर कलर्ड. वेल, सी इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हेलोजन्स. सारे हेलोजन्स समुन्दर में पाए जाते हैं. ये इंपॉर्टेंट सोर्स यही है. क्यों? बिकॉज सी में 2.5% NaCl पाया जाता है. बहुत बड़ा अमाउंट है ये, छोटा मोटा नहीं है. अच्छा, NaCl के अलावा मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और पोटाशियम क्लोराइड सब पाए जाते हैं. और तो और, जो सी वीड होती है, सी वीड वीड होती है जो सी के साइड पे प्लांट्स ग्रो करते हैं, वो अगर उसको निकालो, उसको बर्न कर दो, उसकी एश में आयोडीन होता है. सी वीड्स में आयोडीन होता है और क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स ऑफ एल्कलीन एल्कलाइन अर्थ मेटल आर फाउंड इन सी. सो दैट्स व्हाई सी इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ ऑल द हेलोजन्स. नेक्स्ट, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है ओनली, जबकि बाकी के फैमिली मेंबर्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली. अदर्स शो +1, +3, +5, +7. क्यों? अभी कहते हैं भैया मेरे पास तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं, मैं तो बस एक ही बॉन्ड बना सकता हूं. तुम बनाओ, तुम्हारे पास डी ऑर्बिटल है, उसको यूज करो, बाकियों को इनवाइट करो, बना लो बॉन्ड. मैं नहीं बना सकता. व्हाई? इट इज मेकिंग ओनली वन, इट इज शोइंग ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल. ओके, तो अभी आपने बोला कि -1 ही क्यों, +1 क्यों नहीं? अरे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है एंड ऑल्सो ड्यू टू हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. वाई दे कैन मेक, आई मीन द क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कैन मेक द +1 और कैन शो +1, +3, +5, and +7 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स. इस वजह से ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को इंक्रीज कर लेते हैं. पूरा फैमिली का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव होती है. हैलोजन्स हैव वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. व्हाट डज इट मीन? इट मींस जब ये इलेक्ट्रॉन को लेते हैं तो बहुत सारी एनर्जी को बाहर निकाल देते हैं. रीजन? बिकॉज ऑफ छोटा साइज. इनका अपने पीरियड में सबसे छोटा होता है, जैसे सेकंड पीरियड में फ्लोरीन का साइज छोटा है, अगले में क्लोरीन का. तो इस तरीके से इनके अपने अपने सबके साइज छोटे हैं और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला के लॉट्स ऑफ एनर्जी निकाल देते हैं. सी, ये एक्स है हेलोजन, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक्स नेगेटिव बना दिया और खूब सारी एनर्जी को बाहर निकाल दिया. जिसका जितना साइज छोटा होगा वो उतनी ज्यादा एनर्जी देगा, राइट? लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो क्लोरीन की है वो मोर नेगेटिव है देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन. इसका मतलब है जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है तो ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है लेकिन फ्लोरीन कम निकालता है. अब इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि फ्लोरीन का साइज कुछ ज्यादा ही छोटा है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन. जो आने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लोरीन अपना रोना रो रहा है, कहता है देखना मेरे दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन बिठा दिए, इतनी टाइट सा छोटा सा मेरा साइज है और तुमने 7 इलेक्ट्रॉन बिठा दिए. 8वें इलेक्ट्रॉन जब वो आता है ना, उसको पता चल जाए यहाँ से, उसको रिपेल करता है. वी कॉल इट इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है दैट एक्सपीरियंसेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जिसकी वजह से कम एनर्जी बाहर निकलती है. लेकिन क्लोरीन, क्लोरीन का साइज जस्ट एप्रोप्रिएट है, ना छोटा है ज्यादा ना बड़ा है, आसानी से एक इलेक्ट्रॉन आता है और खूब सारी एनर्जी बाहर निकलती है. तो
क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा है बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन. इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ड्यू टू विच लेसर एनर्जी इज रिलीज्ड आउट. ओके, ये पूरा का पूरा फैमिली सारे हेलोजन्स बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं. ऑल हेलोजन्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, राइट. मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर आपको नोट्स चाहिए डिटेल में, समझ आप यहां रहे हैं, तो आप surekhachemistry@gmail.com पे मुझे मेल कीजिए. सब्जेक्ट में आपने केमिस्ट्री लिखना है. ओके, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं. व्हाई? बिकॉज देखो, दुनिया में हर वो बंदा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है. ये पूरा खानदान ले ही तो रहा है इलेक्ट्रॉन, क्यों ले रहा है और इनका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्यों है? देखो, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग सारे इसीलिए है क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर तीन बातों पर डिपेंड करता है. पहला, बॉन्ड एनर्जी लेस होनी चाहिए. यस, दे डू हैव. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव होनी चाहिए. यस, दे डू हैव. और तीसरा, इनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए. यस, दे डू हैव. तीनों बातें इस फैमिली में पाई जाती हैं तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं. ओके, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो क्लोरीन की ज्यादा होती है. ना, क्लोरीन नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है. तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो क्लोरीन की ज्यादा है तो उसको होना चाहिए ना. इसका आंसर है कि देखो, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर तीन बातों पर डिपेंड करता है. बॉन्ड एनर्जी कम होनी चाहिए, यानी कि बॉन्ड जल्दी ब्रेक होना चाहिए. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव होनी चाहिए और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए. अगर क्लोरीन की एक बात ज्यादा है तो क्या हुआ, बाकी की दो बातें तो फ्लोरीन की फेवर में है ना, इसीलिए फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जल्दी से रिकैप करते हैं. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन आर द नेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 17. हेलोजन्स बिकॉज दे आर सॉल्ट फॉर्मिंग. एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9. रेस्ट वी कैन नो बाय एडिंग द मैजिक नंबर्स. दे एग्जिस्ट एज डायटॉमिक इन द गैसियस स्टेट बिकॉज दे आर शॉर्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. टू फ्लोरीन और क्लोरीन कंबाइन टूगेदर टू बिकम द स्टेबल. दे आर कलर्ड. वाई? द होल फैमिली इज कलर्ड. फर्स्ट टू मेंबर्स आर गैसेस, पेल येलो, ग्रीनिश येलो गैस. दिस इज ऑरेंज रेड लिक्विड. आयोडीन इज पर्पल सॉलिड. एसिटाइन इज रेडियो एक्टिव. वी डोंट स्टडी मच अबाउट इट. सो कलर्ड बिकॉज दे एब्जॉर्ब सम ऑफ द पोर्शन ऑफ द विजिबल रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट एंड रिमेनिंग दे विल ट्रांसमिट एंड बिकॉज ऑफ दैट ट्रांसमिटेड लाइट दे अपीयर टू बी कलर्ड. C is the greatest source of halogens. Explain. Because in C, chlorides, bromides and iodides of alkali and alkaline earth metals are found. And moreover, 2.5% is NaCl in our C. Seaweeds contain iodine. Iodine is also found in chile saltpeter. Fluorine shows only one oxidation state because of absence of vacant d orbital. And that only minus one because of highest electronegativity. Other members of this family can show plus 1, plus 3, plus 5, plus 7 oxidation state because of presence of vacant d orbitals. And their electron gain enthalpy is very high. We are talking about the whole family. Yes, because of lower size and higher electronegativity. But the size of fluorine is smaller than that of chlorine. Then why electron gain enthalpy of chlorine is more negative than fluorine? Because of extra small size of fluorine, the incoming electron experiences repulsion, जिससे कि बाहर कम एनर्जी निकलती है. क्लोरीन का साइज इज जस्ट appropriate टू accommodate एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो वो आता है, आके बैठ जाता है और आराम से एनर्जी निकलती है. ये पूरा फैमिली जो है बड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बिकॉज ऑफ तीन बातें. पहला, इनकी बॉन्ड एनर्जी कम है, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव है और इनकी हाइड्रेशन एनर्जी. हाइड्रेशन एनर्जी पता क्या होती है? देखो, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेके अब इसको पानी में डुबो दो. ऑफ कोर्स ऑल द रिएक्शंस आर हैपनिंग इन वाटर, सो पानी में डुबो दो तो पानी क्या करेगा, इसको चारों तरफ से घेर लेगा. जब वाटर एनायन को घेरता है या कैटायन को घेरता है तो
तो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, और वो हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा हो वो उतना खुश रहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेके बहुत खुश रहेगा फ्लोरीन. सो ऑल हेलोजेंस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बिकॉज ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन, दो द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर नेगेटिव. आंसर, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स, बॉन्ड एनर्जी शुड बी लो, हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी हाई. ये दो फैक्टर फ्लोरीन की फेवर में है, सिर्फ एक ही फैक्टर तो है जो क्लोरीन की फेवर कर रहा है, इसलिए फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन. फटाफट स्क्रीन शॉट ले लो इसका. नेक्स्ट, ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अभी बोला क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दिस वाज एक्सेप्शन यू नो. अगर हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो रिएक्टिविटी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. और अगर हम बॉन्ड एनर्जी का ट्रेंड देखें तो ये तो वही, फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा. बॉन्ड एनर्जी अगर हम देखें तो क्लोरीन की ज्यादा है, फिर ब्रोमीन की है, फिर फ्लोरीन की है, फिर आयोडीन की है. हमें इससे ऑब्जेक्शन है, ये भाई साहब यहाँ क्यों आए, इसे तो यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि हमने पढ़ा है बॉन्ड जितना छोटा होता है उतना स्टेबल होता है, तो ये इसकी बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन से कम क्यों है, ये तो स्ट्रांग होना चाहिए था. अब इसका आंसर सुनो, फ्लोरीन कहता है देखो मेरा छोटा सा साइज और तुमने मुझे यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स पकड़ा रखे हैं, 6 मेरे 6 उसके, दो बीच में 14 हो गए. कहते हैं इतनी कंजस्टेड जगह पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन बिठाओगे तो रिपल्शन ही तो होगी, इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, इसीलिए फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कम होती है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड, रिएक्टिविटी का, बॉन्ड एनर्जी का. अब इनके हाइड्राइड्स पे चलते हैं, HF, HCl, HBr, HI. देखो यहाँ पे सिंपल सा फंड है, इन सब में से बॉन्ड लेंथ सबसे लॉन्ग किसकी है, HI की. I का साइज बड़ा है, HF की बॉन्ड लेंथ इतनी है, HCl, HBr, HI. तो HI इन सबको वाटर में डिप कर दो तो कौन है जो फटाफट H को बोलेगा जा जी ले अपनी जिंदगी, ऑफ कोर्स यही. तो एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका हुआ, HI का. सो ये इसका एसिडिक कैरेक्टर का ट्रेंड है, राइट. नेक्स्ट, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, दिस, क्योंकि बॉन्ड छोटा है टूटेगा नहीं जल्दी से. सो अगर हम स्टेबिलिटी देखें, ऑफ कोर्स थर्मल स्टेबिलिटी, तो HF की ज्यादा है, HCl, HBr और HI. इनमें से रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा, जो H को जल्दी तोड़ के भगा देगा, HI. तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर का भी यही ट्रेंड होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर. उसके बाद चलते हैं कि इनमें से आयोनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है, आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा HF का होगा. वाई, आयोनिक हमेशा फजान ने कहा था एनायन जितना छोटा होगा उतना आयोनिक होगा, एनायन जितना बड़ा होगा उतना कोवेलेंट होगा. तो आयोनिक कैरेक्टर HF का सबसे ज्यादा है और HI का सबसे कम है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HF लिक्विड है और HCl गैस है, वाई, जबकि क्लोरीन का साइज बड़ा है, जो बड़ा भाई है वो गैस बन के उड़ रहा है, छोटे वाला लिक्विड कैसे हो गया, बिकॉज ये H बॉन्ड बना लेता है, बिकॉज ऑफ H बॉन्ड फॉर्मेशन. बाय द वे H बॉन्ड क्यों बनाता है, वो क्यों नहीं बनाता, बिकॉज फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, ये दो कंडीशंस जिसमें पाई जाती हैं वही H बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये लिक्विड है, ये गैस है. इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट भी इससे ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ दिस इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, उसकी वजह से इसका ज्यादा वो होता है. ओके, नेक्स्ट है आयोडीन को आप वाटर में डाल दो, बिल्कुल भी नहीं घुलता, थोड़ा सा घुलता है ब्राउन सा कलर आ जाता है,
लेकिन जैसे ही आप KI डालते हो ये डिसॉल्व हो जाता है. व्हाई? द क्वेश्चन इज आयोडीन इज इनसोल्यूबल इन वाटर बिकॉज ये नॉन पोलर होता है और वाटर हमारा पोलर होता है. अब वाटर कहता है भाई तेरे पे चार्ज तो है नहीं, तुझे घोलू कहां से मैं. KI डालते ही ये सोल्यूबल हो जाता है. व्हाई? KI I2 के साथ रिएक्शन करके KI3 बना देता है और जबकि ये क्या होता है आयोनिक. अब आयोन वाले बंदे वाटर को बहुत पसंद होते हैं और ये इसमें सोल्यूबल हो जाता है. ठीक है. सो आयोडीन इज इनसोल्यूबल इन वाटर बट ऑन एडिंग KI इट बिकम्स सोल्यूबल बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KI3 नेगेटिव विच इज आयोनिक इन नेचर एंड इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. नेक्स्ट है कि अगर हम KI में वाटर में मतलब डिसॉल्व्ड है इसमें हम क्लोरीन डाल दें और वाटर डाल दें तो ब्राउन कलर आता है क्योंकि Cl आयोडीन को बाहर निकाल देगा. हमने अभी पढ़ा ना ये ऑक्सीडाइजिंग होता है क्लोरीन आयोडीन से ज्यादा. तो KCl प्लस आयोडीन प्लस वाटर हो जाता है. राइट? तो आई हैव टोल्ड यू जब आयोडीन थोड़ा थोड़ा वाटर में डिसॉल्व होता है तो ब्राउन कलर आता है. क्वेश्चन है व्हेन क्लोरीन इज एडेड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI ब्राउन कलर अपीयर्स बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन. व्हेन मोर क्लोरीन इज पास्ड देन दिस कलर डिसअपीयर्स बिकॉज नाउ HIO3 बन जाता है. अगर हम ज्यादा क्लोरीन पास करेंगे HIO3 बन जाएगा और ये हमारा कलरलेस होता है. राइट? सो ये इसमें इस तरीके से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू प्रिपेयर क्लोरीन फ्रॉम HCl. ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है कि क्लोरीन आप HCl से कैसे बनाएंगे. HCl में आप MnO2 डाल दो तो बन जाएगा कैसे MnCl2 प्लस क्लोरीन प्लस वाटर. क्लोरीन बन जाती है और एक डेकन प्रोसेस से भी बन जाती है HCl प्लस O2 CuCl2 की प्रेजेंस में तो आपको मिलेगा H2O प्लस Cl2. इसे हम डेकन्स प्रोसेस कहते हैं. राइट? ये दो तरीके से आप क्लोरीन बना सकते हैं HCl से. क्वेश्चन आया था CBSE में कि हाउ विल यू प्रिपेयर क्लोरीन फ्रॉम HCl एंड HCl फ्रॉम क्लोरीन. वो भी बता देती हूं. अगर हम क्लोरीन और H2 को सनलाइट की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो HCl बनता है. क्वेश्चन था हाउ विल यू प्रिपेयर HCl फ्रॉम Cl2 एंड Cl2 फ्रॉम HCl. मैंने दोनों बता दिए. ओके, क्लोरीन जो है ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और ब्लीचिंग एजेंट भी है. आप अपनी ब्लैक टी शर्ट को गीला कर दो, गीला करके उसके ऊपर क्लोरीन गैस डाल दो. ये क्लोरीन आपकी टी शर्ट की ब्लैक टी शर्ट की जो वाटर है उसके साथ रिएक्शन करके HCl और HCl लो बनाएगा. राइट? ये अनस्टेबल होता है. ये HCl और नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाएगा. यही नेसेंट ऑक्सीजन नॉटी है जो आपकी टी शर्ट को वाइट करने वाली है. तो इसी की वजह से जो कलर्ड सब्सटेंस होता है वो कलरलेस हो जाता है. तो इसे हम ब्लीचिंग एक्शन कहते हैं. अगर आपको कोई बोले कि क्लोरीन वेट ब्लीच है, हाँ, बिना वाटर के रिएक्शन नहीं करेगी. व्हाई? बिकॉज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन. और इसी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है. राइट? वो कौन सी दो पॉइजनस गैसेस हैं जो क्लोरीन से बनती हैं वो भी सुन लो. ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं एक बार CBSE में. मैं वही बोल रही हूँ. COCl2 फॉस्जीन और दूसरी है मस्टर्ड गैस. बीच में आप डाल दीजिए सल्फर CH2CH2Cl. इसे कहते हैं मस्टर्ड गैस. बड़ी खतरनाक है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज की गई थी. और फॉस्जीन किसने इस्तेमाल करी थी? हिटलर ने. हिटलर ने जो चैम्बर बना रखे थे उसमें 100-200 लोगों को डाल देता था, ऊपर से गैस छोड़ देता था, ये वाली फॉस्जीन, और दम घुटने से मर जाते थे. सो फॉस्जीन एंड मस्टर्ड गैस. वेल, क्लोरीन का नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लोरीन की 4 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं. क्लोरीन में NaOH डाल दो. कौन सा? कोल्ड एंड डाइल्यूट. और आप क्लोरीन में NaOH डालो हॉट एंड कंसंट्रेटेड. और क्लोरीन में अमोनिया डाल दो 2 बार. कैसे?
एक में हम अमोनिया एक्सेस में लेंगे, एक में हम क्लोरीन को एक्सेस में लेंगे। देखो इन सब में अलग अलग बनेंगी, कैसे? इसमें NaCl प्लस वाटर दोनों में बनेगा, कोल्ड वाले में बनेगा NaClO और इसमें बनेगा NaClO3। बैलेंस करते रहना अपने आप। ओके, याद कैसे रहेगा? देखो हॉट है ना, तो इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 5 वाला बनाया इसने, इसमें 1 वाला बनाया। व्हेन अमोनिया इज टेकन इन एक्सेस वी विल गेट अमोनियम क्लोराइड, और जब हम क्लोरीन को एक्सेस में लेंगे तो हमें NaCl3 मिलेगा। ये माइल्ड एक्सप्लोसिव होता है नेचर में। मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके साथ ही मैं आपको फ्लोरीन की रिएक्शंस भी बता देती हूं। फ्लोरीन की भी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है इससे रिलेटेड, फ्लोरीन को वाटर में डाल दो, फिर टू थिंग्स आर देयर, आपने आइस में डाला है यानी कि सॉलिड वाटर का मतलब आइस में फ्लोरीन डाल दो, या फ्लोरीन आप वाटर में डाल दो रूम टेम्परेचर पे, दोनों में अलग अलग बनेगा। इसमें बनेगा HF और HOF, राइट? ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है। इसको हम डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, जब किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रिएक्शन में इंक्रीज भी हो रहा हो और डिक्रीज भी हो रहा हो, उसे हम डिस्प्रोपोर्शन कहते हैं। बड़ी सरप्राइजिंग बात है, फ्लोरीन ने आज तक दूसरों का इलेक्ट्रॉन छीनना सीखा है। ये देखा, +1 है यहाँ पे, दे दिया किसको? ऑक्सीजन को। ये पहली इकलौती रिएक्शन है जिसमें फ्लोरीन के ऊपर +1 चार्ज है। बट ये और बात है, टिकेगा नहीं, फटाफट ब्रेकअप होके फिर HF और नेसेंट ऑक्सीजन में बदल जाएगा। बट एक बार तो ऑक्सीजन ने इसका इलेक्ट्रॉन ले ही लिया ना। और अगर आप आइस में नहीं डालते फ्लोरीन, वाटर में डालते हो, तो आपको HF प्लस O2 और प्लस O3 तीनों मिलेंगे आपको। बैलेंस आप कर लेना अपने आप, HF, O2 और O3 आपको मिलेगा। एक और बात बताती हूँ, देखो अगर यहाँ पे KCl लिया है आपने और आपसे कोई पूछे कि ये एक्स कौन है जो इसको बाहर निकाल देगा, मैंने अभी बताया था ऊपर वाला हेलोजन नीचे वाले को कॉलर पकड़ के बाहर निकाल देता है, तो X2 कौन होना चाहिए? फ्लोरीन होना चाहिए क्योंकि यही निकाल सकता है। तो KF प्लस Cl2। और अगर मैं यहाँ पे Ki ले लूं, बताओ कौन है जिसको बाहर निकालेगा? सब ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, यानी कि इस X2 की जगह पे हम लोग ले सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन। मींस ऊपर वाला स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है देन नीचे वाला मेंबर, अगर हम इसके पूरे उसमें देखें तो ये कुछ फ्लोरीन की और रिएक्शंस है। और अगर हम ऑक्साइड्स देखें क्लोरीन के, तो ClO2, Cl2O6, Cl2O7, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि क्लोरीन में ClO2 में एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, ऑड, और हमेशा जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन होता है ना उसकी कोशिश होती है कि मैं डाइमर बना लूं, यानी कि एक और ClO2 को पकड़ के बोलेगा चल हम दोनों ना डाइमर बना लेते हैं। बट ये डाइमर नहीं बनाता, क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो है ना गेड़िया मारता रहता है, कभी इधर कभी इधर, तो ClO2 में ये डाइमर नहीं बनाता, डज नॉट मेक डाइमर बिकॉज ऑड इलेक्ट्रॉन इज डीलोकेलाइज्ड, घूमता रहता है गेड़िया मारता रहता है, टिकता नहीं है, उसे बोलते हैं डीलोकेलाइज्ड, राइट? ये हो गया आपका। उसके बाद है ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। इसका नेम है परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, इसका है क्लोरिक एसिड। एक ऑक्सीजन और कम कर दो तो अस हो जाता है क्लोरस एसिड, और इसे कहते हैं हाइपो क्लोरस एसिड। सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है ये लास्ट वाला, ये वीक है इससे, ये इससे वीक है इससे। व्हाई? बिकॉज अगर हम इसमें से H+ को निकाल दें
तो ये हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है बिकॉज ClO4 नेगेटिव इज हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड का मतलब है ये मॉलिक्यूल कहता है H को, तू जा, तेरे जाने के बाद मैं ज्यादा खुश हो जाऊंगा, ये मतलब होता है इसका, क्योंकि चार चार ऑक्सीजन है तो रेजोनेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑफ कोर्स जो अपने घर में खुश है वो किसी की ऑक्सीडेशन क्यों करेगा, ये कहता मैं तो करता नहीं, तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है क्योंकि वो स्टेबल होता है। ओके, सो ये थे ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, हमारा एक इंटरहेलोजन कंपाउंड्स और स्ट्रक्चर बच गया है और कुछ एक आधी रिएक्शंस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं थर्ड वॉल्यूम में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।